हाँ व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इंडिया में कई जाति के लोग रहते हैं। इंडिया सिर्फ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री नहीं है बल्कि कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स भी है इंडिया में। नंबर वन, वाराणसी सिचुएटेड गंगा के किनारे पे और इसको रिप्रेजेंट भी किया गया था पार्लियामेंट में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और वाराणसी को बनारस भी कहा जाता था। ये एटलीस्ट 3000 ईयर ओल्ड है और हम पौराणिक कथा की माने तो शिव जी ने ये सिटी को खोजा था 5000 साल पहले। नंबर टू, 4 घंटे का लंबा सफर औरंगाबाद एंड महाराष्ट्र के बीच एक बेस्ट किप्ट सीक्रेट है और ये लेक क्रिएट हुआ था प्लमेटिंग मेटियोर के द्वारा 52,000 ईयर्स एगो। इस जगह पर एक बार जाना ही चाहिए जहाँ पे कई सारे टेम्पल्स भी है। नंबर थ्री, ऐसी कई सारी चीजें जो इंडिया में इन्वेंटेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्नेक्स एंड लेडर तक चेस जैसी गेम इंडिया में इन्वेंटेड, साथ साथ में शैम्पू, डायमंड माइनिंग, बटन और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री भी इंडिया में इन्वेंट हुआ। और एक मैं आपको यह भी बात बता दूं कि मून में जो पानी है उसका प्रेजेंस भी इंडिया में इन्वेंट होता है, तो ये एक डेफिनेटली इंडिया का बेस्ट फैक्ट है। नंबर फोर, आप सभी लोग कभी ना कभी तो पोस्ट ऑफिस गए होंगे, लेकिन क्या आप कभी फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पे गए हो? जी हाँ, इंडिया में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है डाल लेक में श्रीनगर में, जो हाउस बोट पर है और उसमें एक छोटा सा म्यूजियम भी है। नंबर फिफ्थ, 1963 में इसरो ने फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था चर्च से यानी कि थंबा में और उसको मॉडर्न डे में तिरुवनंतपुरम कहा जाता है। और यह भी माना जाता है कि यह रॉकेट बाइसिकल में ट्रांसफर किया गया था और जो लॉन्च पैड है उसको फिर नाम दिया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सिक्स, इंडिया एक देश है जहाँ पे कबड्डी इन्वेंट हुआ था और इंडियन नेशनल कबड्डी टीम आज तक एक भी वर्ल्ड कप हारी नहीं है, यानी कि 5 वर्ल्ड कप इंडियन नेशनल कबड्डी टीम जीती है एंड वुमेन्स की टीम भी आज तक वर्ल्ड कप में कभी हारी नहीं है। खुश हुआ। आपको ये रेयर फैक्ट्स इंडिया के कैसे लगे हमें कमेंट में बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।